अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन कराम, अमीर तहरीक के लबैक पाकिस्तान अलामा साद हुसैन साहब का बड़ा बयान सामने आ चुका है और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को कहीं का नहीं छोड़ा, खरी खरी सुना दी है और पीटीआई हुकूमत का बड़ा पोल भी खुल गया है। जी हाँ नाज़रीन, दो अहम तरीन अपडेट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमारे इस YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन कराम, अलामा साद हुसैन साहब का अपने बयान में कहना था कि इमरान हुकूमत ने मुल्क पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया है। उनका मजीद कहना था कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे को पूरा करने के लिए दर्जनों आशिकान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया और आज इक्तदार के लिए सब भेड़िए बने बैठे हैं। यह कहना था अलामा साद हुसैन रिजवी साहब का। और नाज़रीन, अब मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें पीटीआई हुकूमत का बड़ा पोल खुल चुका है। नाज़रीन कराम, पीटीआई ने अपने जलसे में 800 रुपए दिहाड़ी पर बेरोजगारी से महंगाई से तंग आवाम को लाया जा रहा है पीटीआई हुकूमत की तरफ से। आइए मैं आपको सबूत के तौर पर वो वीडियो भी दिखाता हूँ। इस बारे में आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। अल्लाह हाफिज।